बिहार बोर्ड 11th अक्टूबर मासिक परीक्षा का बायोलॉजी का यानी कि जीव विज्ञान का देख सकते हैं 200% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। इस वीडियो में आपको सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों बताने वाला हूं और इसका पीडीएफ कहां से डाउनलोड करना है यह भी बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। आपको पता होगा इस चैनल पर जब भी अपलोड होता है ओरिजिनल ही अपलोड होता है, तो चलिए हम फटाफट सभी का आंसर आपको करवा देते हैं और सब्जेक्टिव सबका पीडीएफ डाउनलोड करने भी बता देंगे। देखिए पहला प्रश्न आपका कह रहा है कि स्पंज किस स्तर का संगठन दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर जो होगा कोशिकीय स्तर हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा प्रश्न कर रहा है कोशिका एवं ऊतक किस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में रक्त में प्रत्यक्ष रूप से डूबे रहते हैं, तो बिल्कुल दो का जो राइट आंसर होगा आपका ए हो जाएगा, खुले परिसंचरण तंत्र, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, तीसरा कह रहा है कि तीसरा प्रश्न आपका कह रहा है कि जिन प्राणियों में कोशिकाएं दो भूरणीय स्तरों में व्यवस्थित होती है वे कहलाते हैं, तो वे जो है द्विकोरिकीय कहलाते हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, क्वेश्चन पेपर लाते हैं फिर आंसर निकालते हैं, फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कर लीजिए। चार नंबर कह रहा है मध्य त्वचा मीजोडर्म से आच्छादित शरीर गुहा वाले प्राणी को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अगुहिये। पाँच नंबर का रहा है स्पंज गुहा किस संघ का मौलिक लक्षण है, तो बिल्कुल पाँच का राइट आंसर सी हो जाएगा, पोरीफेरा। छः नंबर प्रश्न कर रहा है कि आपका पोलिप एवं मडूसा पाए जाते हैं, तो बिल्कुल छः का राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, देख सकते हैं OC2O लिखा हुआ है, ठीक ना। चलिए सात नंबर प्रश्न कर रहा है वीनस फ्लावर बास्केट है तो क्या है, तो वह जो है आपका बी हो जाएगा, एक प्राणी है। आठ नंबर प्रश्न कर रहा है फीता कृमि किस संघ का प्राणी है, तो आठ का बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा, चपटे कृमि प्लेटी हेलमिथीज, ठीक ना, डी राइट आंसर हो जाएगा आठ का। नौ नंबर प्रश्न कर रहा है अनुदैर्य तथा वृत्ताकार पेशियां पाई जाती है, तो नौ का बी राइट आंसर हो जाएगा, अंथ्रोपोडा में। चलिए दस नंबर प्रश्न कर रहा है कि अरीय समिति मौलिक लक्षण है, तो 10 का बी राइट आंसर हो जाएगा, मोलस्का का। 11 नंबर का रहा है जिम्नोस्पर्म में बीजांड होते हैं, तो बिल्कुल 11 का राइट आंसर ये हो जाएगा, अनावृत। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न कर रहा है कि जिम्नोस्पर्म के परागण है, तो बिल्कुल 12 का जो है आपका 12 का डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 13 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि सेलेजिनेला में क्या पाया जाता है, तो 13 का बी राइट आंसर हो जाएगा, बीजांड पाया जाता है। 14 नंबर कह रहा है कि मांस के जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था होती है, तो इसका राइट आंसर 14 का बी हो जाएगा, युग्म कोदभिद, ठीक ना, यानी कि गैमिटोफाइट। 15 नंबर कह रहा है मांस में कायिक जनन द्वितीयक प्रथम तंतु के दौर द्वारा पूरा होता है, तो 15 का बी राइट आंसर हो जाएगा, विखंडन तथा मुकुलन। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि टेरिडोफाइट का उदाहरण है, तो 16 का सी राइट आंसर हो जाएगा, सेलाजिनेला। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 17 नंबर आपका कह रहा है कि संतति एकांतर की परिघटना मौलिक गुण है, बिल्कुल 17 का ए राइट आंसर हो जाएगा, पादप का। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 17 हो गया, 18 देखिए अक्टूबर का ओरिजिनल पेपर है। 18 का रहा है केप्सिड निम्नलिखित में से किन में पाया जाता है, तो 18 का डी राइट आंसर हो जाएगा, विषाणु में। 19 का रहा है दो चल अथवा अचल युग्मकों के प्रोटोप्लाज्म का संलयन होना कहलाता है, तो 19 का डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 20 नंबर प्रश्न कर रहा है परजीवी का उदाहरण है, तो 20 का सी राइट आंसर हो जाएगा, फीता कृमि। 21 नंबर कर रहा है कि निम्न में से किसे थैली
थैली फंजाई भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर 21 का जो है आपका डी हो जाएगा, तंतु जगत। 22 का रहा है पृष्ठ, रज्जु कहाँ से उत्पन्न होती है, तो 22 का सी राइट आंसर हो जाएगा, अंतः त्वचा। उसके बाद 23 नंबर प्रश्न कर रहा है कोमल शरीर वाले प्राणी किस संघ के सदस्य हैं, तो 23 का डी राइट आंसर हो जाएगा, मोलस्का। 24 का रहा है बेलेनोग्लोसस किस संघ का उदाहरण है, तो बिल्कुल 24 का डी राइट आंसर होगा, हेमिकाडेटा। चलिए 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि साइक्लोयड तथा टीनोयट सल्क पाए जाते हैं, तो बिल्कुल 25 का सी राइट आंसर हो जाएगा, कोंड्रिक थीज में। 26 का रहा है सरीसृप का उदाहरण है, तो 26 का डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। उसके बाद 27 नंबर का रहा है मसूला मूल तंत्र पाया जाता है, तो 27 का ए राइट आंसर हो जाएगा, द्विबीजपत्री पौधों में। 28 नंबर का रहा है रेशेदार मूल तंत्र पाया जाता है, तो 28 का बी राइट आंसर हो जाएगा, एक जीव पत्री पौधों में। 29 का रहा है शोषण मूल पाया जाता है, तो 29 का बी राइट आंसर हो जाएगा, सरसों में। उसके बाद देखिए 30 नंबर प्रश्न कर रहा है गांठ तथा पेशियां पाई जाती है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा, जड़ में। अब चलिए मैं आपको सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ डाउनलोड करने बता देता हूं, ताकि आप लोग प्रश्न को याद करने का तो समय नहीं है, लेकिन एग्जाम में छपने का समय है, ठीक ना। सिंपल सा आपको गूगल खोल लेना है, गूगल में सर्च करना है एसके नॉलेज क्लास, एसके नॉलेज क्लास लिख के सर्च मारना है। फर्स्ट नंबर वेबसाइट आएगा skknowledgeclass.com, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज खुलेगा, ऊपर स्क्रॉल करना है, यहाँ देखिए आंसर की वाला आपको टैब दिखेगा, यहाँ आंसर की पे आपको क्लिक करना है, ठीक ना। आंसर की पे क्लिक करने के बाद यहाँ 11th अक्टूबर मंथली एग्जाम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर खुलेगा, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आ जाना है, नीचे जिसका भी आपको डाउनलोड करना है, बायोलॉजी का डाउनलोड करना है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लगा दिए हैं, यहाँ से ऑब्जेक्टिव डाउनलोड होगा, यहाँ से सब्जेक्टिव आके डाउनलोड कर लीजिए।